फ्यूज को चेंज करने की विधि। सबसे पहले लोको को खड़ा कर लेंगे और लोको ब्रेक लगा देंगे, VCV ओपन करेंगे और पेंटो को लोअर करेंगे, IP कॉक को बंद कर देंगे। तत्पश्चात HBA को शून्य पोजीशन में रखेंगे। जिस फ्यूज को चेंज करना हो या चेक करना हो उसको उसके होल्डर से निकालेंगे। होल्डर से निकालने के बाद ECC सॉकेट पर लगाने के पहले फिर से HBA को हम लोग एक पोजीशन में रखते हैं। देखिए ECC सॉकेट पर फ्यूज को हम लोग टेस्ट करने के लिए रख रहे हैं और साथ ही देखिए LECC लैंप जल गया। इससे यह पता चलता है कि यह फ्यूज गुड कंडीशन में है। अभी फ्यूज को देखिए ECC सॉकेट पर रखा गया लेकिन LECC लैंप जला नहीं। इसका मतलब है कि यह फ्यूज मेल्ट कंडीशन में है। तो इस फ्यूज को बदलना है तो सबसे पहले इस फ्यूज का रेटिंग देखिए। यह 35 एम्पियर का फ्यूज है तो फ्यूज रेक से सबसे पहले एक अच्छा 35 एम्पियर का फ्यूज जो मेल्ट कंडीशन में नहीं है उसको लेंगे और रिप्लेस करने के पहले इसको भी टेस्ट कर लेंगे। टेस्ट करने के पहले HBA को एक पोजीशन में रखेंगे, फ्यूज को फिर से ECC सॉकेट पर लगाएंगे, LECC का जलना सुनिश्चित करेंगे, अब फिर से बैटरी को ऑफ करेंगे। फ्यूज चेंज करने के पहले फ्यूज होल्डर को एक बार आप देख लीजिए और क्लीन कर लीजिए। यदि अंदर में कोई कार्बन वगैरह जमा हो तो उसको भी साफ कर लेना है। इसके बाद ही इसमें गुड फ्यूज को लगाना है। देखिए गुड फ्यूज जो भी है उसको आप देखिए कैसे लगाते हैं। इसका जो मोटा वाला भाग है वह अंदर की ओर रहेगा और जो पतला भाग है वह ऊपर की ओर रहेगा। फिर इसको देखिए हम लोग फ्यूज होल्डर में सबसे पहले सुनिश्चित कर लेंगे कि बैटरी ऑफ है कि नहीं ऑफ है। HBA 0 पोजीशन में होना चाहिए। उसके बाद इसको फिर से उसमें लगाकर पूरी तरह टाइट कर देंगे। अभी फ्यूज बदल दिया गया है। इसके बाद हम लोग बैटरी को ऑन कर लेंगे। इसके बाद IP कॉक को आप खोल दीजिए और लोको को नॉर्मल इनर्जाइज कीजिए। देखिए हमारे पास ये तीन तरह का फ्यूज है। इसमें सबसे पहले तो फ्यूज का रेटिंग कैसे पता करेंगे यह देखना है। तो फ्यूज का रेटिंग पता करने के लिए इसमें लिखा हुआ रहता है। देखिए 35 एम्पियर का फ्यूज है और यह फ्यूज देखिए 16 एम्पियर का है और ये सबसे पतला जो फ्यूज है ये 6 एम्पियर का फ्यूज है। तो सबसे पहले तो हम इसको देख भी सकते हैं कि इसमें क्या लिखा हुआ है, उसके हिसाब से भी पता कर सकते हैं कि कितने एम्पियर का फ्यूज है। और मान लीजिए कि यह मिट गया है तो इसकी मोटाई को देखते हुए भी पता चल सकता है कि ये कितने एम्पियर का फ्यूज है। लोको में जनरली 35 एम्पियर का फ्यूज, 16 एम्पियर का फ्यूज और 6 एम्पियर का फ्यूज मिलेगा आपको। तो 35 एम्पियर की स्पेयर फ्यूज की संख्या 2 होती है, 16 एम्पियर के स्पेयर फ्यूज की संख्या 4 होती है और 6 एम्पियर के स्पेयर फ्यूज की संख्या भी 4 होती है। तो कुल 10 फ्यूज जो हैं हमारे पास स्पेयर फ्यूज होते हैं, जो स्पेयर फ्यूज का जो रेक है वहाँ रखा रहता है। तो इसमें आप लिखा हुआ देखकर और साथ में इसकी मोटाई के आधार पर भी पहचान सकते हैं कि ये कितने एम्पियर का फ्यूज है। सबसे पतला जो होगा वो 6 एम्पियर का होगा,
उससे मोटा 16 एम्पियर का होगा और सबसे मोटा जो होगा 35 एम्पियर का होगा। धन्यवाद।